हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैंने एक ऑनलाइन मास्टर क्लास अटेंड की थी, जिसको होस्ट किया था रिनाउंड बॉलीवुड सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट अल्पा खिमानी, जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, जैसे कि सोनम कपूर। तो उन्होंने समर के लिए कुछ इजी हेयर स्टाइल सिखाए, और जैसे कि अभी सलोन सारे बंद है, तो हम घर में अपने हेयर को कैसे स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल रख सकते हैं, उसी के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अल्पा जी के दिखाए हुए दो हेयर स्टाइल को रिक्रिएट करके दिखाऊंगी और कुछ हेयर केयर टिप्स शेयर करूंगी। सबसे पहले तो उन्होंने हमें समर के जो बीची वेव्स वाला हेयर स्टाइल होता है, उसको आप इजिली कैसे बना पाओगे। अगर आपके बाल शॉर्ट है या फिर आपके बाल लंबे भी है, तो आप बिना टूल्स के इस बीची वेव्स को कैसे क्रिएट कर पाओगे, उसी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उन्होंने शेयर किया है। हेयर स्टाइल दिखाने से पहले उन्होंने हमें एक DIY हेयर मिस्ट बनाना सिखाए, जिसको आप किसी भी हेयर स्टाइल करने से पहले उसको हेयर में अप्लाई कर सकते हो, या फिर हेयर स्टाइल हो जाने के बाद भी उसको आप हेयर में अप्लाई कर पाओगे, ताकि आपके बाल बिल्कुल भी किसी भी तरीके का डैमेज ना हो। इस हेयर मिस्ट को बनाने के लिए आपको बस दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल हैं। एक स्प्रे बॉटल में आपको थोड़ा सा पानी लेना है, एंड उसमें ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल, देन उसको अच्छे से शेक कर लेना है। कोकोनट ऑयल बालों के 10 लेयर्स डीप तक जाके पेनिट्रेट होता है, तो ये आपके बालों को रिपेयर और प्रोटेक्ट करता है। तो किसी भी तरीके का हेयर स्टाइल करने से पहले बालों में ओवरनाइट के लिए कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर लीजिए, और नेक्स्ट डे उसको वॉश कर लीजिए, तो इससे आपके बाल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और बाल डैमेज भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस DIY हेयर मिस्ट को अपने बालों में अप्लाई कर लूंगी, ताकि बालों में किसी भी तरीके का फ्रिजीनेस या रफनेस ना दिखे। कोकोनट ऑयल पॉल्यूशन से होने वाले हेयर डैमेज को रिपेयर करता है, एंड ये बालों में एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है, विच एक्ट्स लाइक बैरियर फॉर मॉइस्चर एंड डजंट अलाउ इट टू गो अवे। दिस प्रोटेक्टिव लेयर ऑल्सो मेक्स हेयर स्मूदर। कोकोनट ऑयल ऑल्सो रिवर्सेज डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हीटिंग टूल्स लाइक कर्लर्स, आयरन, टोंग्स एटसेट्रा। तो मैं बालों को पहले ऐसे 4 सेक्शन में डिवाइड कर लूंगी। हर एक सेक्शन को आपको ऐसे ट्विस्ट करते रहना है। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ ट्विस्ट कर रहे हो, तो आपको राइट साइड की तरफ लेना है, और अगर आप राइट साइड की तरफ ट्विस्ट कर रहे हो, तो आपको लेफ्ट साइड की तरफ लेना है। यू कैन ऑल्सो यूज अ कर्लर, बट जो लोग कर्लर या स्ट्रेटनर यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे बाल डैमेज हो जाते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसको आपको ऐसे ही ओवरनाइट तक रखना है। आप चाहो तो ब्लो ड्रायर भी यूज कर सकते हो, अगर आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। अब जब मैं इसको ओपन करूंगी, तो ये बहुत ही अच्छा सा एक वेव्स बन जाएगा। तो लास्ट में आपको इस तरीके का कोई भी हेयर एक्सेसरीज को लगा लेना है। तो नेक्स्ट जो हेयर स्टाइल मैं आपको दिखाऊंगी, वो तो इससे भी ज्यादा इजी है, एंड इसको भी आप इजीली घर में बना सकते हो। तो इसके लिए आपको दूसरे तरफ ज्यादा हेयर को लेना है, एंड यहाँ पे भी आपको दो सेक्शन में हेयर को लेना है। फर्स्ट मैं यहां से लूंगी सामने से, एंड नेक्स्ट आपको यहां से नीचे से थोड़ा सा बालों का सेक्शन बनाना है। देन आपको छोटा सा एक रबर बैंड लेना है। दोनों सेक्शन को आप पीछे की तरफ टाई कर लीजिए। अब लास्ट में इस तरीके का स्टेटमेंट पीस लेके साइड में लगा लीजिए। आपके पास अगर ये नहीं है, तो जो भी है लाइक बहुत सारे साइड क्लिप्स होते हैं, उनको भी आप एक साथ लगा सकते हो, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज द फाइनल लुक। तो अल्पा जी ने DIY हेयर मिस्ट के साथ साथ उन्होंने एक नेचुरल ड्राई शैम्पू भी सजेस्ट किया है,
जिसको आप इजीली यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी समर सीजन चल रहा है और हेयर जल्दी जल्दी स्वेट हो जाता है, तो इस स्वेटी हेयर से बचने के लिए आप सैंडलवुड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर आपको आपके क्राउन एरिया के तरफ स्प्रिंकल कर देना है एंड दैट्स इट। तो जो भी मैंने हेयर केयर टिप्स एंड हेयर स्टाइल दिखाए, इनमें से अगर आप कुछ भी ट्राई करते हो तो डेफिनेटली मुझे मेरे सोशल मीडिया पे टैग करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।